हेलो दोस्तों, नमस्कार। असो किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कुछ नए तरीके से पास्ता। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, हमने एक कटोरी मैदा लिया है। आप इसकी जगह आटा भी ले सकते हैं, आटा से भी बन जाएगा, गेहूँ के आटे से। थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे और आधा चम्मच नमक हम डालेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे गूनेंगे दोस्तों। इसको मिला दीजिए। तो दोस्तों, मैदे को थोड़ा टाइट ही गूंदना है, इस तरीके से थोड़ा टाइट ही रहना चाहिए। तो हमने इसे गूंद लिया है आटे में से। अब इस तरीके से हम लोही, अब इसे हम इस तरीके से बिल्कुल गोल आकार में कर लेंगे। अगर आटा चिपक जा रहा है तो इस पर हल्का सा तेल लगा लेंगे। चाकू लेंगे, कुछ इस तरीके से हम काटेंगे इसे। ये देखिए, अब इसको हम इस तरीके से फोल्ड करके रख लेंगे। ये देखिए, हमें ऐसे बनाना है। इसी तरीके से पास्ते को हम बना लेंगे। सभी पास्ता हमने बना लिया दोस्तों, आप देख सकते हैं। अब आइए इसे रख देते हैं उबलने के लिए दोस्तों। दोस्तों, पास्ते को उबालने के लिए हमने एक फ्राई पैन लिया, जिसमें एक लीटर हम पानी डालेंगे। अब इसे आइए गैस को जला के हम रख देते हैं पानी को उबलने के लिए दोस्तों। दोस्तों, पानी हमारा बिल्कुल देख सकते हैं आप, बिल्कुल अच्छी तरीके से उबल रहा है। अब इसमें हम बनाया हुआ पास्ता हम डाल देंगे। इसमें गैस को धीमी कर लेंगे और आराम से इसमें डाल देंगे सभी पास्ते। तो दोस्तों, सभी पास्ते हमने डाल दिए। अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल उबल रहा है और गैस को बिल्कुल धीमी कर देंगे। धीमी आंच पे कम से कम 10 से 15 मिनट पास्ते को उबाल लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, हमारा पास्ता जब तक उबल रहा है तो आइए हम ये सभी चीज़ें काट लेते हैं। बंद गोभी हमने काट लिया, अब शिमला मिर्च भी इसी तरीके से हम काट लेंगे। पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, अब हम प्याज को भी काट लेंगे इसी तरीके से। तो दोस्तों, पास्ता हमारा अच्छी तरीके से उबल चुका है, ये बिल्कुल अच्छी तरीके से पक गया है। अब इसको हम गैस को बंद कर दे रहे हैं और इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, गैस को हमने जला दिया, कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। इसमें हम डालेंगे तेल। दोस्तों, तेल हमारा गर्म हो चुका है। इसमें हम प्याज और हरी मिर्च कटी हुई डाल देंगे। प्याज और मिर्ची को हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। प्याज और हरी मिर्च हल्का ब्राउन हो चुका है, इसमें हम कटा हुआ टमाटर हम डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक हम डालेंगे आधा चम्मच, आप अपने हिसाब से डालिएगा नमक। इसमें डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च, थोड़ा सा हम डालेंगे और तो थोड़ा सा हम गरम मसाला डालेंगे, इसे डाल देंगे। अब डालेंगे दोस्तों पत्ता गोभी और शिमला मिर्च, दोनों साथ में हम डाल देंगे। और इसमें डालेंगे दोस्तों उबले हुए पास्ते, ये देखिए इसे हम डाल देंगे। इसे अच्छी तरीके से चला देंगे, थोड़ी देर से हम पका लेंगे। और इसमें डालेंगे दोस्तों सिरका, सिरका हम डाल देंगे। खूब अच्छी तरीके से चला देंगे, बिल्कुल अच्छी तरीके से मिल जाना चाहिए। तो दोस्तों, पास्ता बिल्कुल बनके तैयार है। गैस को हम बंद कर देंगे और एक प्लेट में निकाल देते हैं पास्ते को। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन, कितना लाजवाब बना हुआ दोस्तों, और खाने में बहुत ही मज़ा आएगा दोस्तों। तो दोस्तों, पास्ता हमारा बिल्कुल बनके तैयार है, ये खाने में बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों। अगर ये सुबह आपको बच्चों को लंच बना के देते हैं इस तरीके से दोस्तों, तो बहुत ही पसंद करेंगे दोस्तों। तो इस तरीके से बनाएं और परिवार और बच्चों के साथ मज़े से खाएं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।